बंदा हमने दिल्ली से लाया है हरियाणा से, सिर्फ ऐसे जंगल में रोटी खाने के लिए। देखे मेहनत का पसीना भी, डबल शेड 4 किलोमीटर पहाड़ी चढ़वाई है इससे अभी, डबल शेड में हो गई कमीज भी। सो हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम जा रहे हैं गरोड़ू। हमारे यहाँ हिमाचल में जब भी मुंडन होता है तो जो उसके बाल होते हैं उनको गरोड़ू, उनकी जो जिसकी कुल देवी होती है वहाँ पे अर्पित किया जाता है बालों को। तो अभी मंदिर के लिए झंडियाँ बनाई जा रही हैं जो कि वहाँ पे मंदिर में लगाई जाएंगी। तो ये हम बाज़ार से नहीं खरीदते हैं कभी भी, घर में ही खुद ही कपड़ा लेके खुद ही सिलाई करके उसको हैंडमेड बनाते हैं। ये देखिए ये पुल बन रहा है अभी, इसको क्रॉसिंग के लिए यहाँ से बनेगा। इसके लिए रोड शायद उस साइड से है, मैंने देखा नहीं अभी। देखो वाइट बगल गए हैं हम। ये हमारे चाचा जी हैं, सिद्धपुर और कोठी के बीच में पहुँच गए हैं। अरे ब्यास नदी जा रही है सीधे यहाँ से, सरकार से आती आती है सीधा सांडा होके बाखड़ा बिलासपुर जाएगी, बिलासपुर से बाखड़ा डैम में गिरेगी। ये देखना है सांडा पतंग का कांडा, चलिए कोठी पतंग, कोठी पतंग का पुल बनने जा रहा है। और ये सामने मंदिर है जालपा माता का, जालपा माता का मंदिर है सिद्धपुर। गाड़ियाँ हमारी यहाँ खड़ी है, थोड़ा सा व्यू देखने के लिए रुक गए यहाँ पे। तो देखिए सामने धुंध जो कैसे पड़ी हुई है, वो देखिए कितनी तेजी से चल रही है, अगर कैमरे में आपको दिख रही होगी तो बहुत तेजी से चल रही है फास्ट ऊपर की तरफ। तो ये यहाँ बैठने के लिए बना हुआ है, टॉप पे टेंपल दिख रहा होगा आपको, ये चित्रभुजा माता का है। तो आज हम वहाँ नहीं जा रहे। तो अभी देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पहाड़ दिखाए थे, अब सारे सारे पहाड़ छिप गए हैं। वो देखो वहाँ मंदिर दिखाया था, अभी जस्ट 1 सेकंड की बात है। देख कितनी तेजी से चल रही है ऊपर पूरा, अभी ये वाला पहाड़ भी छिपने वाला है थोड़ी देर में, इतनी तेजी से पूरी धुंध थोड़ी। और नीचे पूरी रिवर दिख रही थी, इधर अब कुछ नहीं दिख रहा, पूरे पूरे बादल आ गए। ये देखिए इस साइड कितना साफ है, क्लियर है। अभी नीचे वाली आ रही है, ये भी धुंध ऊपर ही आ रही है। देखिए नीचे रिवर है, ये है ब्यास रिवर जो कि वहाँ ऊपर से आती है। कुल्लू मनाली वाले पहाड़ जो हैं उस साइड से हैं, तो उस साइड से घूम घूम के इस साइड आती है, इस साइड नीचे चली जाती है, पंजाब की तरफ चली जाती है, कांगड़ा हमीरपुर होके। तो फोटो भी नहीं आएंगे, धुंध देखिए पूरा पहाड़ छिप गया, अभी ये भी पहाड़ छिपने वाला है पूरा पूरा। तो अभी मैंने आपको पहाड़ दिखाए थे यहाँ पे, और सामने वो मंदिर था, और देखिए कुछ नहीं दिख रहा सिवाय इस खम्भे के। और ये वाली पहाड़ी भी आधी दिख रही थी, अब आधी में नहीं दिख रही है, पूरी ढक गई है। उस साइड भी देखो पूरा ढक गया, आगे तक कुछ नहीं। हाँ मैंने इस साइड भी आपको दिखाया था कि साइड धुंध नीचे से ऊपर आ रही है, और अब वो धुंध पूरी पूरी ऊपर पहुंच चुकी है। ये देखिए ऊपर पहुंच के उसने ऊपर वाले पहाड़ ढक दिए पूरे पूरे, इतनी तेजी से, बस 2 मिनट के अंदर अंदर इतनी तेजी से आ रही है। भाई साहब क्या मस्त है। ये हमारा भाई चला रहा है गाड़ी, शुभम कटोच। सामने आपको गांव दिख रहा होगा, वहाँ देखो साइड में लैंडस्लाइड हुआ है, इसकी वजह से वो लैंडस्लाइड उसके घर के पास ही पहुंच गया बिल्कुल। अभी वो नीचे तक दिख रहा था, पूरा पूरा पहाड़ है ये जो है, ऐसे पूरी शेप में लैंडस्लाइड हो रखा है, वो धुंध की वजह से छिप गया सारा सारा।
तभी हम रास्ते में रोटी खाने के लिए रुक गए हैं। सभी स्टैंडिंग में रोटी खा रहे हैं क्योंकि सुबह हम खा के नहीं आए थे, सुबह जल्दी निकल गए थे 6-7 बजे। आधे गाड़ी में बैठे हुए हैं, हम सब ऐसे खा रहे हैं रोटी। आलू फ्रास भी है और सिंपल रोटी है। जंगल में मंगल रोटी खाते हुए ये बंदा हमने दिल्ली से लाया है हरियाणा से, सिर्फ ऐसे जंगल में रोटी खाने के लिए। देख मेहनत का पसीना, अभी डबल शेड 4 किलोमीटर पहाड़ी चढ़वाई है इससे, अभी डबल शेड में हो गई कमेज भी।